बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब फर्ड में आप सबको वेलकम। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाली नई जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिन्हें बेसब्री से इंतजार होता है कि कब पीपीएससी की तरफ से अच्छी जॉब्स की जो है अनाउंसमेंट की जाएगी। ऐसी जॉब्स जहाँ पर जो है जनरल की बेस पर आपके टेस्ट होते हैं और वहाँ पर इजीली ग्रेजुएट भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पर कौन सी नई जो जॉब्स हैं अनाउंस की गई हैं और यहाँ पर किन किन शहरों में अनाउंस की गई हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब्स हैं जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अनाउंस की गई हैं। और यहाँ पर 220 प्लस से ज़्यादा सीट्स जो हैं इस पोस्ट के लिए, इन दो पोस्ट के लिए अनाउंस की गई हैं। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर अगर आप जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर डिवीजन रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफ़ज़ाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर, नानकाना, इसके अलावा कसूर, शेखपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोधा और पंजाब, इन सभी जगहों पर जो है अलग से जो है सीट्स अनाउंस की गई हैं। हर हर शहर की अलग से जो है एक गिनती है, वहां पर उतनी ही सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसकी पोस्टेड डेट 12 अक्टूबर है, जबकि इन जॉब्स में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर है। इन जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको जो फी चलान पे करना है वो 1000 रुपीज का है। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन शहरों में से कहीं नहीं भी हैं तो भी पूरे पंजाब में से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वैकेंसीज हैं वो दो हैं। तहसीलदार बीएस 16 स्केल की जॉब है जिसकी 58 पोस्ट जो है सीट्स जो है अनाउंस की गई हैं। इसी तरह अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें तो ये बीएस 14 स्केल की जॉब है और इसकी यहाँ पर 164 जो है पोस्ट अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर आपसे शेयर करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट जो है इसकी एडवर्टीजमेंट की तरफ ले जाऊंगी, जहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है यहाँ पर क्या अप्लाई करने का क्राइटेरिया है। और यहाँ पर आपके सामने जो है पीपीएससी की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली पोस्ट है यहाँ पर तहसीलदार की है और जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 28 है यहाँ पर, और यहाँ पर 58 पोस्ट हैं जिनमें के तमाम जो है पोस्ट इंक्लूडेड हैं, यानी कि इसमें माइनॉरिटी कोटा की भी सीट्स इंक्लूडेड हैं। एजुकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है सेकेंड डिवीजन के साथ हो तो आप यहाँ पर इन पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं नायब तहसीलदार के लिए। तो यहाँ पर जो इसके लिए एज क्राइटेरिया मेंशन है वो 21 से 28 साल तक के जो है मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि उन्हें यहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। तो यानी कि टोटल मिलाकर 33 साल तक के लोग जो है यहाँ पर मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फीमेल के एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर 21 से 28 साल तक की जो है फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल्स को है जो एज रिलैक्सेशन है वो 8 साल की है। तो इस तरह टोटल जो है 36 ईयर ओल्ड जो है वुमेन्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर इसके बाकी आप डिटेल देख सकते हैं कि जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो जिसके पास भी पंजाब का डोमिसाइल है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर आपकी इन पंजाब होगी। अगर आप इन शहरों में से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यहीं पर पोस्टिंग होगी। इसके अलावा जो भी आपको एरिया पास पास लगता है वहीं पर आपकी जो है इन सीट्स को लेके जो है यहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसके पेपर की बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपके दो पेपर होंगे, दोनों पेपर जो है 100-100 मार्क्स के होंगे। जो पहला पेपर है वो जो रिलेटेड होगा वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिशन एमसीक्यूज बेस्ड रिलेटेड होगा। यहाँ पर जो है सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश में जो है कॉम्प्रिहेंसिव, कंपोजिशन और इंग्लिश, यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड पेपर आएगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा और एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा जो कि आपने क्लियर करना है, जिसके लिए जो है आपको 90 मिनट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी बेस्ड पेपर होगा। इसमें जो है पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, उर्दू, यहाँ से जो है इनके जो है क्वेश्चन जो है आएंगे। एमसीक्यूज 70%, यानी कि 70 एमसीक्यूज आपके इस सारे क्राइटेरिया में से आएंगे, और जो बाकी 30 एमसीक्यूज होंगे क्योंकि नेक्स्ट पेपर भी 100 मार्क्स का है। तो जो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आईटी
या बेसिक सॉफ्टवेयर या एमएस ऑफिस का जो भी बेसिक नॉलेज है उसमें से रिलेटेड होंगे 30%। तो यहाँ पर ये 70 और 30 मिलाकर टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। इस तरह 100 मार्क्स का पहले आपका इंग्लिश का पेपर और नेक्स्ट जो पेपर होगा 100 मार्क्स का वो आपका जनरल एबिलिटी प्लस आईटी से रिलेटेड होगा। एमएस ऑफिस और एक्सेल यहाँ से इनमें से आपका पेपर बन के आएगा। और थर्ड जो लास्ट होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इन दोनों रिटन पेपर्स को क्लियर कर जाते हैं तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो आपके इंटरव्यू या वाइवा वॉइस का होगा, उसके भी आपके 100 मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो है नायब तहसीलदार की, और यहाँ पर जो है इसकी 164 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर अगर हम इसके जो है एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपने बीए या बीएससी की हुई है, तो आप इन पोस्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर का लिटरेट होना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की भी आपसे कंप्यूटर की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं की गई दोनों पोस्ट के लिए। सिर्फ यहाँ पर एक जनरल बताया गया है कि कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो मेल जो है यहाँ पर 21 से 28 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन के बाद यहाँ पर जो है 33 साल तक के जो है मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट जो है फीमेल्स, उनके लिए यहाँ पर जो है सेम क्राइटेरिया है, 36 ईयर्स तक की जो है फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल यहाँ पर देख सकते हैं डिवीजन वाइज जो होगा, यहाँ पर जो है इन पोस्ट के लिए जो डोमिसाइल है वो डिवीजन वाइज होगा, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ अलग अलग शेयर करती हूँ कि किस शहर से है, जो किस डिवीजन से जो कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं और किस किस कोटा पर जो है सीट्स निकाली गई हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर रावलपिंडी है। रावलपिंडी में जो है यहाँ पर 3 डोमिसाइल आ जाते हैं, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जैलम। इसकी जो है 23 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। एक जो कोटा की है वो स्पेशल पर्सन कोटा की है, एक माइनॉरिटी की, और 5 जो है वुमेन कोटा की सीट्स हैं, और बाकी जो 16 सीटें बचती हैं वो ओपन मेरिट की सीट्स हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो गुजरांवाला की जो है डोमिसाइल की है। इसमें जो आ जाता है गुजरांवाला में जो डोमिसाइल आते हैं उनमें गुजरांवाला है, सियालकोट, नारोवाल, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात। इसकी यहाँ पर 24 पोस्ट जो सीटें हैं वो अनाउंस की गई हैं। एक स्पेशल पर्सन कोटा की है, एक माइनॉरिटी कोटा की है, और जो यहाँ पर 6 हैं वो वुमेन कोटा की हैं, और जो 16 बाकी सीटें बचती हैं वो ओपन मेरिट की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लाहौर है। लाहौर डिवीजन की बात करें तो इसमें लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहिब और कसूर आते हैं। इसकी यहाँ पर 28 सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिनमें से एक स्पेशल पर्सन कोटा की है, एक माइनॉरिटी कोटा की है, 6 जो है वो वुमेन कोटा की है, और जो बाकी 20 बचती हैं वो ओपन मेरिट की सीट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फैसलाबाद है। फैसलाबाद डिवीजन में जो आते हैं वो टीटी सिंह है, इसके अलावा झंग है, और इसके अलावा यहाँ पर चिन्योट है। इसकी यहाँ पर 7 सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसमें से एक स्पेशल पर्सन कोटा की है, एक माइनॉरिटी कोटा की, 3 वुमेन कोटा की, और जो बाकी 2 बचती हैं वो यहाँ पर ओपन मेरिट की सीट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरगोधा है। सरगोधा में जो डिवीजन आते हैं वो भक्कर है, कुशाब और मियांवाली। इसकी यहाँ पर 19 सीटें जो है अनाउंस की गई हैं, एक जो है स्पेशल पर्सन कोटा के लिए है, एक यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा के लिए, और जो 3 है वो बाकी वुमेन कोटा के लिए हैं, और जो बाकी 6 बचती हैं वो ओपन मेरिट की सीट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साहिवाल है। साहिवाल के साथ साहिवाल आता है, पाकपतन और यहाँ पर ओकाड़ा यहाँ पर आते हैं। इसकी 11 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, एक जो है यहाँ पर स्पेशल पर्सन कोटा की है, एक यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा की है, 3 जो है वुमेन कोटा की, और बाकी जो 6 है वो यहाँ पर ओपन मेरिट की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुल्तान आ जाता है। मुल्तान में खानेवाल, लोधरा और वेहाड़ी तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और यहाँ पर जो है इसकी 22 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, जिनमें से एक जो है माइनॉरिटी कोटा की है, एक स्पेशल पर्सन कोटा की है, और यहाँ पर 5 जो है वो वुमेन कोटा की है, और जो बाकी 15 बचती हैं वो ओपन मेरिट की सीट्स हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर डेरा गाजी खान है, जिसमें डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और इसके अलावा लैया आते हैं। 16 सीट्स इसकी अनाउंस की गई हैं, एक जो है यहाँ पर स्पेशल पर्सन कोटा की, एक माइनॉरिटी की, और 4 जो है वुमेन कोटा की, जो बाकी 10 बचती हैं वो ओपन मेरिट की सीट्स हैं। आखिरी यहाँ पर भावलपुर है। भावलपुर में रहीम यार खान आता है और उसके अलावा भावलनगर आता है। 14 पोस्ट जो है इसकी अनाउंस की गई हैं, एक स्पेशल पर्सन कोटा की, एक माइनॉरिटी कोटा की, 5 जो है यहाँ पर वुमेन कोटा की, और जो बाकी 7 बचती हैं वो यहाँ पर ओपन मेरिट की सीट्स हैं। यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं, तो टोटल अगर सीट्स की बात करें तो 164 बनती हैं।
टोटल जो यहाँ पर स्पेशल पर्सन की बात करें तो 9 सीट्स हैं और माइनॉरिटी की भी यहाँ पर 9 है। इसके अलावा वुमेन कोटा की 42 सीट्स हैं और ओपन मेरिट की यहाँ पर 104 सीटें हैं। इसके अगर हम पेपर की बात करें तो इसके भी यहाँ पर 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 100-100 मार्क्स के होंगे और MCQs बेस्ड पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो इंग्लिश से रिलेटेड होगा जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिशन दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। और नेक्स्ट जो है इसमें जो है जनरल एबिलिटी का जो है पेपर लिया जाएगा जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, इसके अलावा करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि 70% होंगे और बाकी 30% आपका IT बेस्ड पेपर जो है आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अप्लाई करने का जो है प्रोसीजर है वो बिल्कुल ऑनलाइन है। इसके अलावा कहीं पे भी आपको जो है जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पर PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसका लिंक यहाँ पर मौजूद है उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर इन पोस्ट में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर 2020 है और जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई करना है दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है 1000 फीस जो है रिक्वायरमेंट जो है मेंशन करना है। तो जैसे यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है तो मैं आपके साथ उसकी जो है डिटेल्स शेयर करती हूँ। की साइट थोड़ा बिजी है, जैसे ही ओपन होती है इसकी तमाम डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से तहसीलदार, इसके अलावा नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन एट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसे यहाँ पर आई है फिल करने के बाद यहाँ से आपने जो है पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होंगी लेकिन आपने जो है यहाँ पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार में से जो भी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पर जो है बाकायदा सिटीज़ भी मेंशन है। अगर आप फैसलाबाद से अप्लाई करना चाह रहे हैं, गुजरांवाला से, लाहौर से, रावलपिंडी से, भागलपुर से, तो यहाँ से आप इनके लिए जो है क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से जो है आप लाहौर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नायब तहसीलदार के लिए, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से जो है सिटी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो है आपके सामने इसकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी। सेम के इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 28 पोस्ट हैं, वुमेन की 6 है, एक स्पेशल पर्सन और यहाँ पर तमाम डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। जैसे आप इन सबको रीड अप करके फिलअप फॉर्म करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर आप फी भी देख सकते हैं। इसे यहाँ पर आपने कंफर्म को टिक करके और अप्लाई ऑनलाइन करके जो है आप नेक्स्ट यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर मेंशन करना है, इसके बाद यहाँ पर आपका जो है CNIC नंबर विदाउट डैशेज और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर जैसे आप इन सबको फिल करेंगे तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको जो है अपनी एक पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड करनी है। इसके अलावा आपको अपने जो है आपके CNIC की कॉपी जो है वहाँ पर CNIC की जो पिक्चर है वो वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा आपको वहाँ पर अपने जो है क्वालिफिकेशंस हैं वो वहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर एक जो मेन इशू यहाँ पर स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए फेस आता है वो इस तरह से आता है कि यहाँ पर जो है एक पिक्चर को जो अपलोड करना होता है उसका एक स्पेसिफिक जो है साइज होता है कि यहाँ पर 25 जो है KB से जो है ज़्यादा की पिक्चर आपने अपलोड नहीं करनी। तो उसके लिए जो है इमेज को जो है आप अपने मोबाइल से जहाँ से भी इमेज लेते हैं उसको पहले रिसाइज करना पड़ता है, उसके बाद वो वहाँ पर अपलोड होती है, वरना तो आप जितनी मर्जी उसे अपलोड करें वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आ रहा है जिसका जो कि लिंक मैं आपको नीचे अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और ये जितने भी जो भी लिंक्स है यहाँ पर मेंशन है कि जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जहाँ से आपने एडवर्टीजमेंट देखनी है, उन सब के जो लिंक भी है वो भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप इस लिंक पर जो है क्लिक करके यहाँ पर ऑनलाइन लिंक फोटोपिया के नाम से जो है यहाँ पर एक लिंक है,
इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपका इजीली जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने पहले से कोई एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रखा है तो यहाँ से आप ऑनलाइन अपनी एग्जाम शीट या यहाँ पर अपना जो है शेड्यूल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट और डिटेल वीडियो के पीपीएससी में जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो जॉब्स आई हैं, जो पोस्ट आई हैं, उनमें अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब सर्च के मेंबर बने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।